अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपको मिलेंगे बहुत ही प्यारे से बेबीज़ के लिए ड्रेसेस के डिज़ाइन। सो वीडियो को जो है एंड तक वॉच कीजिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगी। ये हमारा फर्स्ट ड्रेस है, प्रिंटेड फैब्रिक है जिसके ऊपर जो है बहुत ही प्यारा सा फ्लोरल प्रिंट है। इसका वी नेक मैंने बनाया है इस तरह, बहुत ही प्यारा सा, ये बिल्कुल वी नहीं है, आयरन शेप है। और आर्म होल में मैंने पाइपिंग की है सेम फैब्रिक की। और बॉटम में जो है इस तरह से फ्रिल के जो है तीन स्टेप लगाए हैं मैंने, इस तरह से फर्स्ट स्टेप जो है, सेकंड और फिर ये थर्ड। फर्स्ट में हल्की हल्की सी चुनट से हैं, सेकंड में थोड़ी ज़्यादा है और फिर एंड वाले पार्ट में तो थोड़ी और भी ज़्यादा है। इस तरह से इसका बॉटम जो है काफ़ी हो गया। और इस तरह से इसमें बारीक सी लेस लगाई है आखिर दामन पर जो है। और ये इसका बैक साइड राउंड नेक है और साथ में जो है स्लिट लगाई है और अटैच बटन लगाया है ताकि जो है फिर वेयर करने में आसानी हो। और इसी तरह से बैक पार्ट में भी तीन स्टेप हैं। फ्रंट पर जो है मैंने ब्लैक कलर में यूज़ किया है साथ में लेस का, और बैक साइड जो है सिंपल फोल्ड किए मैंने। और इसके साथ जो है मैंने ब्लूमर स्टिच किया है, यहाँ पर जो है पांचे जहाँ पर होते हैं वहाँ पर मैंने यहाँ पर बारीक सा फोल्ड किया है और फिर इलास्टिक लगा दिए। इस तरह से इसका ब्लूमर है। और यह है हमारा सेकंड ड्रेस, बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस है। इसका मैंने अंगरखा स्टाइल दिया है, ये चिकनकारी का फैब्रिक है। यह ट्राउज़र के फैब्रिक में जो है वेस्ट फैब्रिक था जिसमें से मैंने ये फ्रॉक रेडी किया है। इस तरह से इसका मैंने एक पट्टी के साथ और एब की पट्टी ली, इसको कटिंग किया और फिर जो है इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया और फिर जो है हैंड स्टिच किया है मैंने इस तरह। यहाँ पर फिर जो है फ्रंट पर ही मैंने अटैच बटन लगा दिया। और जो अंगरखा स्टाइल में जो हम दोनों फैब्रिक्स को जो है बढ़ा कर रखते हैं, तो मैंने नीचे से जो है दोनों साइड्स को जो है बहुत ही अच्छे से इसको नीट किया है और फोल्ड किया है। और इसी तरह से दोनों तरफ मैंने हैंड स्टिच किया है, बैक नेक जो है वो राउंड है। तो आर्म होल में मैंने सेम फैब्रिक की जो है पाइपिंग की है। और यहाँ पर जो है बॉटम में मैंने प्लीट्स लगाए हैं। यहाँ पर जो है जहाँ पर हमारा वी स्टाइल में ये हमारा ये तिरछा जो हमारा कट आता है वहाँ से नीचे तक जो है मैंने इसको स्ट्रेट में ओपन रखा है, ऊपर से जो है ये थोड़ा बंद किया है, नीचे से थोड़ा ओपन रखा है। इस तरफ मैंने जो है फैब्रिक लगाया था, पट्टी लगा कर सिलाई कर दिया और ऊपर वाला जो साइड था वहाँ मैंने हैंड स्टिच किया है। जब मैंने इसको सिलाई किया तो इसका जो है एम्ब्रॉयडरी की लाइंस को जो है मैच करके फिर मैंने सिलाई किया। अगर ये प्रिंटेड भी हो तो आप इसको जो है प्रिंट को मैच करके फिर सिलाई करें। और नीचे से जो है इसका फैब्रिक था साथ में तो मैंने उसी को फोल्ड कर दिया इस तरह। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जो है ऑल पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। बैक साइड इस तरह से बिल्कुल सिंपल है सारा, इस तरह से इसका कुछ फाइनली लुक है। इसके साथ भी मैंने ब्लूमर स्टिच किया है, नीचे से फोल्ड किया है बारीक सा और फिर साथ में जो है इस तरह से मैंने इलास्टिक लगा दी। और ये वाला ड्रेस भी हमारा बहुत ही प्यारा है, रेड कलर में है, साथ में इसमें वाइट कलर में प्रिंट हुआ हुआ है। इसके मैंने पैनल्स में कटिंग की है, पैनल स्टाइल दिया है इसको। फ्रंट नेक जो है राउंड बनाया है, पाइपिंग की है और इसके पैनल्स में मैंने जो है इस तरह से लेस लगाई है वाइट कलर में। आर्म होल में मैंने जो है फैब्रिक को जो है अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया और फिर हैंड स्टिच किया है, पाइपिंग नहीं की, इसको मैंने अंदर की तरफ जो है फ़ोल्ड किया है। इसकी फिटिंग की सिलाई नहीं लगाई मैंने, पैनल्स के साथ इसको जस्ट जो है वो अटैच किया है और ऊपर से इस तरह से मैंने इसको जो है कवर किया है। पैनल में जो है ऊपर से लेकर नीचे तक सेंटर का पैनल जो है वो स्ट्रेट है, साइड के जो पैनल थे मैंने उसमें दो स्टेप लगाए हैं फ्रिल के, इस तरह से फ्रिल जो है ऊपर रख कर लगाई है, साथ में अटैच नहीं की, नीचे से जो है सिंपल इसको फोल्ड किया है बारीक सा।
इस तरह से इसका फ्रॉक का लुक है। और यह है इसका बैक साइड, बैक साइड पर भी इसी तरह से राउंड नेक है और स्लिट टॉपिंग की है। फ्रंट बैक जो है, और यह है इसके साथ निक्कर जिसका स्टिच किया है मैंने। इसको जो है मैंने बहुत ही प्यारा सा लुक दिया है, नीचे से सिंपल फोल्ड किया है बारीक सा। इसके बाद साइड में जो है लेंथ में मैंने इसमें इलास्टिक लगाई है। इलास्टिक जो है वो मैंने 3 से 4 इंच की लगाई है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इस तरह से लंबाई में। और इसमें जो है मैंने इस तरह से पॉकेट स्टाइल दिया है। इस साइड से जो है राउंड शेप में आ गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और ये लास्ट डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा सा फ्लोरल प्रिंट पे है, पैरट कलर में ये ड्रेस है। और इसका जो है राउंड नेक बनाया है। फ्रंट बैक में मैंने एक ही पाइपिंग की है और बैक पर स्लिट है। और ये फ्रंट में जो है शोल्डर्स के साथ मैंने यहाँ पर जो है राउंड से शेप में मैंने फ्रिल लगाई है, जो साइड से नीट हुआ है पाइपिंग में, शोल्डर की पाइपिंग में। और फ्रिल को दोनों तरफ से जो है सिलाई किया है और फिर इसमें चुनट्स लगाई हैं थ्रेड की, और फिर ऊपर जो है चिपटी लेस लगाई है। और इसके बॉटम में जो है मैंने चुनट्स लगाई हैं, हल्की हल्की सी इसमें चुनट्स हैं। और नीचे जो है मैंने बॉर्डर लगाया है, लेंथ में मैंने इसका बॉर्डर लगाया है। और नीचे जो है मैंने इसमें लेस लगाई है, और जहाँ पर मैंने बॉर्डर को अटैच किया है वहाँ पर मैंने जो है चिपटी लेस का यूज़ किया है, ऊपर रखकर लगाई है। जो मैंने ऊपर लगाई है इस तरह से फ्रिल के ऊपर जो लगाई थी, वही मैंने नीचे बॉर्डर के साथ यूज़ किया है। बैक नेक राउंड है और यहाँ पर स्लिट ओपन रखा है, और फिर ऊपर अटैच बटन लगाया है। इसी तरह से बैक साइड पर भी चुनट्स लगाई हैं, एंड में जो है मैंने लगाई है लेस लगाई है, और इसी तरह से बॉर्डर को अटैच किया है। और ये इसके साथ शलवार, इस तरह से मैंने जो है इसमें पांचों में मैंने इसमें इलास्टिक लगाई है, और फिर जो है ऊपर मैंने 3 मरतबा जो है चिपटी लेस का यूज़ किया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।